हाय गाइस, मैं हूँ मोनिका। अपने चैनल कुक विद मोनिका में आप सबका वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज हम तवा चमकाएंगे। देखिए, तवा इस तरह से हम पराठे बनाते हैं तो गंदा होता जाता है, और जब हम गर्म करते हैं तो रोटी भी अच्छी नहीं बनती, रोटी पर भी तेल के निशान आ जाते हैं। साथ ही दोस्तों, इसी टेक्निक से जैसे हम तवा मांजेंगे, हम ये बर्नर्स के साइड्स पर जो कवर्स होते हैं दोस्तों, ये राउंड राउंड, ये भी बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो इन्हें भी हम उसी तरह से चमकाएंगे बिना मेहनत ज़्यादा किए। दोस्तों, ये भी बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। तो चलिए साफ़ करते हैं तवा। सबसे पहले मारने के लिए दोस्तों, हम लेंगे वही जो डिश वॉशर बार आप इस्तेमाल करते हैं, साथ में लोहे का या स्टील का जूना। और विनेगर दोस्तों ज़रूरी नहीं है, आप ले सकते हैं। हम तवे को साफ़ करने के लिए उसे पहले सबसे पहले गर्म करेंगे। देखिए, तवा बहुत अच्छे से आप तपा लें, इसे गैस पर रख दें और अच्छे से गर्म कर लें। जब तवा दोस्तों गर्म हो जाएगा, तब हम जिसे जैसा घिसेंगे तो बहुत अच्छे से जो इसके ऊपर कार्बन कलेक्ट हुआ हुआ है, और जो भी हम रोटी या कुछ भी बनाते हैं तो जल जल कर ऊपर इकट्ठा होता रहता है और वो जमता रहता है, तो वो बड़े इजीली दोस्तों निकल जाता है। ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती और अलग से हमें नींबू या कुछ नहीं रगड़ना पड़ता। आप तवा अच्छे से तपा कर मांजेंगे तो फटाफट से तवा बिल्कुल चमक जाता है। देखिए, मैंने तवे को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया। 5 मिनट तक इसे फुल फ्लेम पर गर्म कर लेना चाहिए पहले। अब मैं तवे को रगड़ूंगी। रगड़ने के लिए दोस्तों कोई बहुत आपको कोई ज़्यादा स्पेशल टूल नहीं चाहिए, आप कोई भी पलटा ले सकते हैं मजबूत सा, उससे रगड़ें। आप इसे गैस के बर्नर पर रखकर भी रगड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरह से रगड़ कर दिखाएं। देखिए, गर्म हो रखा है तवा बहुत अच्छे से, और जो इसके ऊपर जो भी रोटी पकाते समय आटा या जो भी जलकर चिपका हुआ है दोस्तों, वो अच्छे से बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। गर्म गर्म तवे पर आप इसे पलटे से यूँ रगड़ेंगे तो बहुत अच्छे से उतरना शुरू हो गया। तो आप इसे बस आप रगड़ते रहें। आप ध्यान रखें कि गर्म है तवा, तो आप इसे आराम से रगड़ें और हल्के हल्के आप यूँ रगड़ते रहेंगे तो तवा हमारा साफ होता रहेगा। देखिए, नीचे वाली परत अब नज़र आने लग गई है, तो आप तवे को बहुत अच्छे से रगड़ लें। और अगर बीच में आपको लग रहा है तवा अच्छे साफ नहीं हो रहा, ठंडा है, तो आप एक बार गर्म कर सकते हैं, नहीं तो आप तवे को बर्नर पर कम आंच पर रखकर भी रगड़ सकते हैं। तवा साफ हो गया है। जब इसकी कालक हटाने के लिए मैं थोड़ी सी इस पर विनेगर डाल रही हूँ। गर्मा गर्म तवे पर आप व्हाइट विनेगर डाल दें, और इसे फिर आप जूने से जो भी आप स्क्रबर यूज़ करते हैं उस पर थोड़ा सा विम बार या जो भी आप डिश वॉशर बार इस्तेमाल करते हैं उससे रगड़ दें। और साइड्स पर दो जहाँ भी आपको लग रहा है कालक जमा है, आप इसे उल्टा कर भी रगड़ सकते हैं। अगर आपको लगे तवा ठंडा हो गया, एक बार फिर से गर्म करें और फिर इसे खुरच सकते हैं इस तरह से पलटे की हेल्प से, तो ये बड़े इजीली साफ हो जाता है। अब इसे चलते नलके के नीचे रखते हैं और तवा हमारा बिल्कुल से साफ हो जाएगा। अगर आपको साफ करते टाइम लगता है कहीं से थोड़ी कसर अभी बाकी है, तो आप इसे फिर से गर्म करें, और जहां जहां आपको लग रहा है परत जमा हुई है, इकट्ठी हुई है, तो आप फिर से इसे खुरच कर उतार सकते हैं, तो एकदम चमक जाएगा। तवा बिल्कुल साफ हो चुका है दोस्तों। इस पर जो भी परत जमा थी मैंने गर्म करके खुरच दी, और जहां जहां मुझे लग रहा था वहाँ थोड़ा गर्मा गर्म तवे पर मैंने विनेगर डालकर मैंने इसे स्क्रबर से भी साफ कर दिया। हाँ, तवा बिल्कुल साफ हो गया दोस्तों। ये लोहे का तवा है तो इस तरह से काला ही दिखेगा, लेकिन ये बहुत ही स्मूथ और क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ हो गया तवा। गैस के बर्नर्स के अराउंड जो कवर्स होते हैं वो भी इस तरह से लोहे के होते हैं, वो भी टाइम के साथ थोड़े थोड़े खराब होते जाते हैं, उन पर भी परत जमा होती जाती है, तो आप उन्हें भी इस तरह से गर्म करके खुरच कर अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं बर्नर के जो कवर्स हैं उन्हें मैं थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ। आप इस तरह से इन्हें गर्म कर लें, अच्छे से गर्म हो जाएंगे, तो उसी तरीके से आप इन्हें खुरच कर इन पर से परत उतार दें। ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा आप इस पर वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। खटाई डालने से एकदम से जो परत जमा होती है वो भी एकदम फटकर अलग हो जाती है। तो देखिए, हमारे जो बर्नर्स के कवर्स हैं वो भी साफ़ हो गए हैं। मैंने तो अपनी गैस और तवा चमका लिया, और अब आपकी बारी है। तो अगली बार फिर मिलूंगी आपसे। अपना ख्याल रखिए। मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।